रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूं, आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी। और ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, तो थैंक यू सो मच। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं राजमा रसीला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जिस पैकेट का फ्रंट है उस पर ऊपर दिया है हल्दीराम्स मिनट खाना राजमा रसीला जस्ट हीट टू ईट। साथ ही इसमें सर्विंग सजेशन भी दिए हुए हैं कि इसे दो लोग खा सकते हैं और ये बेस्ट है राइस के साथ। इसका जो वेट है वो 300 ग्राम्स है। अब इसके पीछे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो इसका नेट वेट है वो 300 ग्राम्स है और उसका प्राइस है 75 रुपीज़। साथ ही इसमें मैन्युफैक्चर डेट, बैच नंबर और बेस्ट बिफोर भी बताया गया है। तो एक साल का टाइम देता है ये हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 24/05/2020 से 21 तक इसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमें तीन तरीके के हीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कि आप पाउच को बॉइलिंग वाटर में डालकर 3 से 5 मिनट के लिए कुक करें, उसे ओपन करें और सर्व हॉट करें। यानी आपको जो पाउच इसके अंदर से निकलेगा उसी को बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि पाउच को कट करके किसी भी कंटेंट या फ्राइंग पैन जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें डाल दीजिए और उसे 3 से 5 मिनट के लिए हीट करें, बीच बीच में उसे चलाते भी रहें और गर्मा गर्म सर्व करें। तीसरा जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो ये है कि आप इसे किसी भी एक डिश में डालें और उसके बाद आप इसे माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। बाकी इसके साइड्स में ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। पीछे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी दी हुई है कि इन्होंने कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें यूज़ किए हैं। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं और जो इसके अंदर पाउच है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इसे पैन में गरम करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को रख दिया है और पाउच को कट करके हम राजमा इसमें डाल लेंगे और एज़ पर इंस्ट्रक्शंस हम इसे 3 से 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। अब मैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि फर्स्ट इसके टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम इसे बाहर से लेकर आए हैं इस तरह से और फिर हमने इसे गर्म करके खाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप ज़रूर एक बार इसे मंगा कर खा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या आप ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं तो आप इसे साथ लेके जा सकते हैं। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पर इंडियन फूड ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इसे लेकर जाएं, आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल रेडी टू ईट है 3 से 5 मिनट में। कभी भी घर में राजमा नहीं बनती है, कम से कम उसे उबलने में ही और सब कुछ करने में ही 1-1.5 घंटा हमें लग जाता है और ये बिल्कुल 3 मिनट में हमें बनाकर दे देती है। इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसने सर्विंग में 2 के लिए लिखा हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइस के साथ इसे सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, अगर आप कोई और रिव्यू चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार इसे लाकर ज़रूर आप टेस्ट करें, बहुत ही डिलीशियस है खाने में। बस सर्विंग का जो इसमें इशू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।